दोस्तों, क्या हम अपनी माइंड की पावर को स्वामी विवेकानंद जैसे तेज कर सकते हैं? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है, सो इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक दुनिया के एक ऐसे लेजेंड हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनके तेज दिमाग की वजह से जानती है। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि बचपन में स्वामी जी बिंदु त्राटक की प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हम अपनी एकाग्रता का लेवल यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पावर को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक आम इंसान में और एक जीनियस इंसान में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का ही फर्क है, यानी ध्यान का। दोस्तों, स्वामी जी का यह खुद कहना था कि अगर आप किसी भी काम में और किसी भी फील्ड में महारथी बनना चाहते हो या फिर उस काम में जीनियस बनना चाहते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर यानी ध्यान की पावर बहुत ज्यादा मानी रखती है। उदाहरण के लिए आप इतिहास उठा करके देख ले, जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बड़ी सफलता हासिल की है, उनके पास कॉन्सेंट्रेशन पावर भयंकर थी। वैसे दोस्तों, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए वैसे बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दीपक त्राटक मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। दीपक त्राटक क्या है, दीपक त्राटक कैसे किया जाता है और दीपक त्राटक के कितने अनगिनत फायदे हैं, वो सब हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, त्राटक ध्यान योगिक ध्यान का एक प्राचीन रूप है। ये दिव्य छुपी हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान का एक बहुत सरल और अभी तक शक्तिशाली टेक्निक है। दोस्तों, त्राटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है देखना, यानी कि साक्षी भाव होकर के सिर्फ देखना। वे एक निश्चित वास्तु पर ध्यान देने के लिए की गई ध्यान की प्रथाओं में से एक है। आमतौर पर ये दीपक की लौ को देखकर अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग फोटो पर, चंद्रमा पर, पानी, शीशा या किसी भी बिंदु पर टकटकी लगाकर अभ्यास किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे त्राटक करने के बहुत बड़े अनगिनत फायदे हैं। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी बिंदु त्राटक के ऊपर, जिन्हें आप लोग देख सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दीपक त्राटक के बारे में बात करेंगे। दीपक त्राटक कैसे किया जाता है और इसके कितने लाभ है। दोस्तों, दीपक त्राटक करने से पहले आप लोगों को एक मोमबत्ती की जरूरत पड़ सकती है, और दोस्तों इस मोमबत्ती की लौ आपके थर्ड आई की बिल्कुल सामने होने चाहिए। आपने पलक चिपकाए बगैर उस लौ को देखना है एक मिनट तक बिना पलक चिपकाए। जब आप मोमबत्ती की लौ को एक मिनट तक देखेंगे उस लौ को, तो आपके आंखों से आंसू निकल आएगा। हाँ, आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जोर जबरदस्ती दीपक त्राटक का अभ्यास नहीं करना, वरना आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। जितने देर आप ये अभ्यास कर सकते हो उतने देर आप करिए, और फिर उसके बाद अपने आंखों को ठंडे पानी के साथ धोइए। दोस्तों, आपने इस अभ्यास को 21 दिन तक करना है, फिर देखना इसका चमत्कार। दोस्तों, वैज्ञानिक और हाइप्नोथेरेपिस्ट का ये मानना है कि अगर आप किसी भी त्राटक पर 30 मिनट तक अपने ध्यान को रोक पाए बिना पलक झपकाए, तो फिर आप किसी भी इंसान को हील कर सकते हो और इसकी मानसिक और शारीरिक रोग को आप ठीक कर सकते हो। दोस्तों, जब आप डेली दीपक त्राटक की प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को बहुत जल्द एक्टिवेट कर देता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को दीपक त्राटक के फायदे बताएंगे। वैसे दोस्तों, दीपक त्राटक के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इनमें से कुछ फायदे हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, दीपक त्राटक आपकी एकाग्रता को कई गुना विकसित करता है और मानसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। दोस्तों, ये अभ्यास दृष्टि में भी सुधार लाता है
और मन को बिल्कुल शांत और स्थिर करता है। मानसिक शक्ति और ध्यान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिए, उस कमेंट के ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।